Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. Students, MCQ number 8 में हमें क्या बताया है? Two lines A and B are perpendicular. Line A has a slope of 5 while line B passes through the point 51 minus 5y. The value of y is. हमने इस y की value find करनी है. Mean कि ये एक line है A और ये line है B. ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर लाइन ए की स्लोप है वो गिवन है हमें 5, मीन इसको हम नाम दे देते हैं m1 का, और जो बी की स्लोप है उसको हम नाम दे देते हैं m2 का, जो कि हमें नहीं पता. लेकिन हमें इसके पॉइंट्स पता है. ये जो बी है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, उसका एक पॉइंट है 51 और सेकेंड पॉइंट है -5y. इनकी मदद से हम इजीली इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं कि इसकी m2 स्लोप कौन सी बनती है, क्योंकि दो पर लाइन पर पेंडिकुलर होने का रिलेशन बनता है m1 m2 = -1. जो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट आता है वो -1 के इक्वल आता है. m1 गिवन है, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस रिलेशन की मदद से हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर देंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन बी फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ लाइन बी जो कि m2 के इक्वल है. तो स्लोप के लिए फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1. अगर मैं इसको नाम दे दूं x1 y1 का और इस पॉइंट को नाम दे दूं x2 y2 का, तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आती है. y2 = 1 के -y1 = y के, x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा +5. यहां से हमारे पास m2 आ गई है 1 - y/10. इसमें पुट करते हैं m1 की वैल्यू ये थी 5 और m2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 - y/10. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो = -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 10 2 हो गए 1 - y, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल हो जाएगा -2 के. यहां से हमारा आएगा -2 - 1, ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3. तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो बनता है